नमस्कार मित्रों, मैं तारा तांत्रिक और आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल तंत्र मंत्र की दुनिया में। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने। आप लोगों ने बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट की, गुरुजी आप वीडियो क्यों नहीं डालते, वीडियो क्यों नहीं डालते। एक बात समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल के क्या फ़ायदा है ना, और ऐसा कोई वीडियो डाल के भी सिर्फ आप लोगों को जानकारी देने के लिए, पहुँचाने के लिए क्या फ़ायदा। जिनको ज़रूरत है वो मेरे वीडियो सर्च करके देख लेंगे, और ऑलरेडी मैं जितना वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ वो काफ़ी है, क्योंकि मैं ऐरा गैरा ऐसा कोई वीडियो नहीं डालता जिसकी वजह से सिर्फ आपको कोई जानकार मंद हो, आपको कोई फ़ायदा ना हो। मैं इसीलिए बहुत कम वीडियो डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए कोई विषय ये वस्तु नहीं है, और सच में भी है भी नहीं। मैं कितना वीडियो बनाऊँ है ना, ये तो सच्ची बात, सच बात है कि मैं कितना वीडियो बनाऊँ। मैं तो मेरे इतनी छोटी लाइफ में तो मैं लाखों साधना तो नहीं किए कि मैं लाखों वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, ये तो असंभव है। इसलिए मैं जितना वीडियो डालता हूँ, जितना मैंने सीखा है, जितना मैं जानता हूँ, उसके हिसाब से जो हो सके मैं वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से गलत हो रहा है, कहाँ से सही हो रहा है, क्या करने से सही हो सकता है, क्या करने से गलत हो सकता है, किससे आपको फायदा मिल सकता है, किससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, हर विषय में मैं रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। तो जिस विषय के लिए आप लोग इससे बुरा मत मानिएगा कि मैं वीडियो क्यों कम डालता हूँ, क्योंकि सच बोल तो इतना कुछ डाल के भी क्या फायदा जिससे आपको ना फायदा हो। मैं इतने सारे वीडियो डाला, मैं लगभग 100 से ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ। भाई कितने चीज बनाओ कि रोज रोज एक कोई नया नया चीज सोच के आप लोगों के सामने ले आओ। ये तो एक कॉमेडी चैनल तो नहीं है जो मैं आपसे कॉमेडी करता रहूं, ऐसा तो नहीं। ये एक सीरियस विषय है कि ऊपर मैं बातचीत करता हूँ। खैर छोड़िए, बात करने से बहुत कुछ जो है, जो कहने के लिए आए थे, जो हमने क्लास स्टार्ट किए थे वो क्लास तो चलता ही रहेगा और वो बढ़िया तरह से चल रहा है, लेकिन जितने लोग नाम रजिस्टर किया है एक एक करके फोन किया जा रहा है और उनसे रिस्पॉन्स भी आ रहा है, और जो लोग प्रोफेशनली कुछ सीखना चाहते हैं ज्योतिष और तंत्र को, उन लोगों को मैं अलग से ट्रेन कर रहा हूँ। अब तारापीठ में आके जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी स्वागत है, और जो लोग अपने घर बैठे सीखना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं, उनके लिए भी स्वागत है। अब वो क्या वीडियोस है वो तो मैं आपको वीडियो के अंत तक बता दूंगा, सीखने की नया प्रोसीजर क्या है। फिलहाल आज जिस टॉपिक में बात करने के लिए आया हूँ वो बात कर लेता हूँ। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को ऐसे एक अहम प्रयोग के बारे में बताऊंगा जिसको हम कहते हैं पति वशीकरण या बॉयफ्रेंड को वशीकरण करना। याद रखना, पति के लिए तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपके बॉयफ्रेंड है तो फिर आपको सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। अगर आपके उनके साथ रिलेशनशिप नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। उनके ही ये प्रयोग काम आएंगे जिनके रिलेशनशिप पहले से चल रहा था, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई या मुसीबत आ गई जिस वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बहुत जल्द से जल्द अलग हो जाओगे, ऐसा कोई मुसीबत आपको दिखाई दे रहा है या आपको समझ में आ रहा है, तो इस प्रयोग आपके लिए 100% काम देगा। इस प्रयोग को सिर्फ 3 दिन करना है, शनिवार, नेक्स्ट शनिवार और उसके बाद शनिवार। तुरंत रिजल्ट देता है ये प्रयोग मात्र 3 दिन करने से ही। अगर प्रॉब्लम कम रहा तो एक ही दिन में आपका काफी है, अगर प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा रहा तो 2 दिन, या प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहा तो 3 दिन। ये 3 दिन जो भी होगा ना, जो 3 दिन आपको करना ही है। अब इस प्रयोग को करोगे कैसे? सबसे पहले एक बात याद रखना, इस प्रयोग के लिए 2 चीज सबसे ज्यादा आवश्यकता है, वो है एक हरा या पीला नींबू और एक बंद कमरे। यही प्रयोग की मेन वस्तु है, बाकी को सब के चीज सवार किसी के घर में रहता है। प्रयोग करना है कोई किसी भी शनिवार के दिन। अब इस शनिवार के दिन आपको सुबह, मतलब कि उसे जब प्रयोग करेगा उसे मिनिमम 8 घंटा पहले एक नींबू तोड़ के ले आनी है, या खरीद के लाओ, जो भी करो के ले आओ, ना कम से कम 8 घंटा पहले पेड़ से तोड़वाना होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन पुराना हो जाए नींबू, वो भी नहीं चलेगा। आज ही तोड़े हो, रात में प्रयोग करना, सोचो रात के 10 बजे आपको प्रयोग करना है, तो आप दोपहर 12 बजे से पहले नींबू को तोड़ के ले आओ, खरीद के ले आओ। खरीद के ले आओ तो एक बात समझ के रखना कि वो नींबू उसी दिन का तोड़ा हुआ होना चाहिए, पहले दिन का तोड़ा हुआ नींबू काम पे नहीं आएगा। अब वो नींबू तो आपने ले लिए, अब नींबू लेने के बाद आप अपने रात में इस प्रयोग को करना है। आपको एक बात याद रखना है, इस प्रयोग को जब करोगे तो अपना मुंह पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में, नेपाल काठमांडू में जो अवस्थित है, उस तरह से अपना मुंह करके इस प्रयोग को करना है। ये प्रयोग स्त्रियों के लिए है, समझ जाओ। और पशुपतिनाथ जो मंदिर है नेपाल के काठमांडू की तरफ है, आप जहां दुनिया के जहां से भी ये प्रयोग करना है, क्यों, अपना मुंह उस दिशा में होना चाहिए।
अब ये महाकाल के एक मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे आगे, प्रयोग पहले थोड़ा सुन लीजिए। एक बात याद रखना इस विषय में, मैं थोड़ा बोलने के लिए भूल गया था कि जो नींबू आप तोड़ के लाओगे, तो ये नींबू तोड़ ले आने के बाद जब अपने घर में लाओगे, घर में लाते हुए ये जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, इस मंत्र को 3 बार फूंक लगा के घर में ले आना है। अगर आपके घर में है तो भी जब तोड़ोगे, तोड़ने के बाद इस मंत्र से 3 बार फूंक लगानी है। मंत्र थोड़ा सुन लीजिए ध्यान पूर्वक, मैं लिख के भी दे दूंगा। ओम वंग 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 अमुकाय मोहनाय सिद्धिय भवंतु। यहाँ पे अमुक की जगह आपके पति या आपके बॉयफ्रेंड के नाम लेना है। दोबारा सुन लीजिए, ओम वंग 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 अमुकाय मोहनाय सिद्धिय भवंतु। समझ गए? अब इस मंत्र को आपको जप करके 3 बार जपना है, 3 फूंक लगानी है नींबू के ऊपर। बस नींबू को अपने घर में आके कोई ऊंचे स्थान पर रख दीजिए। आप रात में आपको प्रयोग करनी है, शनिवार के दिन से प्रयोग शुरू करोगे। अब रात में जब मिनिमम 10 बजने के बाद या 10 या 11 जब भी होना, क्यों कि 10 बजने के बाद करो मिनिमम। अपने एक कमरे में ले लो, एक बंद हुए कमरे जहां पे किसी को कोई ताक झाक ना कर पाए, और पूरा कमरा बंद होना चाहिए। पूरा कमरा बंद करके करते हुए आपको पूरी तरह से नग्न हो जाना है। अब ये जो नींबू मैं आपको जो आप नींबू तो ये जो नींबू आपने तोड़ के लाए थे, उस नींबू को आपके सामने रखना है और एक दीपक जलानी है। या तो आप दीपक भी किसी भी तेल के दीपक जला सकते हो या कपूर के आग लगा सकते हो अपने सामने। बस अपने आग के ऊपर योनि मुद्रा करके उस नींबू को अपने योनि में डाल के और अपने हाथ से योनि मुद्रा करोगे, जैसे मैं दिखा रहा हूं वैसे योनि मुद्रा करते हुए नीचे की तरफ करते हुए, ऐसे इस योनि मुद्रा को करते हुए नीचे की तरफ से आप उस नींबू को अपने योनि में डालना है। और अब जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, इस मंत्र को 21 बार जाप करना है। ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, बस 21 बार जाप करना है आपको। मंत्र थोड़ा ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। ओम नमः रुद्राय काल भैरवाय भ अमुक महनाय फट स्वाहा। दोबारा सुन लीजिए, ओम नमः रुद्राय काल भैरवाय व अमुके महनाय फट स्वाहा। यहाँ पे जो अमुक के नाम कहा गया है, यहाँ पे आपके पति या आपके बॉयफ्रेंड का नाम लेना है। समझ में आ गया? अब इस मंत्रों का जब हो जाने के बाद आप उस नींबू को बाहर निकाल लीजिए और अपने फिर नहा लीजिए और उस नींबू को एक अच्छे स्थान पर रख दीजिए। अपन नींबू अच्छे स्थान पर रख देने के बाद अगले रविवार सोमवार मंगलवार 3 दिन टाइम रहेगा आपके पास। 3 दिन में आप अपने बॉयफ्रेंड हो या आपके पति हो, उसी को उस नींबू को किसी भी खाने के साथ मिला के उसको खिला दीजिए। जिस वक्त खिलाओगे उसके 3 से 4 घंटे के भीतर से आपको शायद रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए। और अगर नहीं आता है तो दूसरे शनिवार वही प्रक्रिया दोबारा से करो। फिर भी अगर दूसरी हफ्ते में कर लिया तो आपको जितने भी कठिन समस्या होना क्यों, आपको थोड़ा ना थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको जरूर दिखेगा। अब दूसरे हफ्ते में भी पूरी तरह से नहीं दिखाए तो तीसरे हफ्ते कर लीजिए। तीसरे हफ्ते करने के बाद आप यकीन मानिए 100% या तो आपको पहली बार में भी आ सकता है, दूसरी बार में भी आ सकता है, तीसरी बार में भी, तो 100% आएगा ही आएगा। दुनिया में कोई ताकत नहीं कि इसको रोक सके, इतने प्रभावशाली और शक्तिशाली प्रयोग है। ये बहुत गोपनीय तरह से किया जाता है, क्योंकि ये शायद मैं आपको कहूंगा कि ये प्रयोग कोई बताता ही नहीं है, मैं भी बताना नहीं चाहते, लेकिन मेरे पास ऐसे 8-10 फोन आ चुके हैं जो बहन लोग मुझे बहुत रो रहे थे, बस सबको इधर या के आके इस जो मैं प्रयोग करता उस प्रयोग को करवाना भी बहुत खर्चेलू मार के, और वो लोग आ भी नहीं पा रहे। तो बताया कि गुरु जी ऐसा कुछ बता दीजिए जिसके द्वारा हमें कोई फायदा हो जाए, ऐसा कुछ इसलिए बता रहा हूं। अपने घर बैठे हुए कहिए, अगर रिजल्ट नहीं आता तो मेरे यूट्यूब चैनल के कॉमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है, जो मन में आए आप बोल सकते हो, आपको जो इच्छा हो आप बक सकते हो, मैं खुशी खुशी मान लूंगा। माता रानी के ऊपर भरोसा रखिए और पशुपतिनाथ जी के ऊपर अपना आस्था रखिए। यकीन मानिए आपका घर जरूर बच जाएगा, आपका प्यार जरूर बच जाएगा। तो इस प्रयोग को करिए, करने के बाद क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता है मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और इतने सिर्फ आप ही नहीं, अगर आपके कोई रिलेटिव ऐसे समस्या से गुजर रहा है, आपका कोई दोस्त मतलब कि आपका पुरुष दोस्त नहीं है, स्त्री है, मतलब कोई आपके दोस्त के साथ भी ऐसा समस्या हो रहा है, तो आप तुरंत उसे इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए। यकीन मानिए दुनिया में कोई ताकत नहीं कि
कि इसको रोक सके। इसका प्रयोग इतना शक्तिशाली और इतना प्रभावशाली होता है। तो आज के लिए विदा लेता हूँ, दूसरे दिन मुलाकात होगी दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता, जय माँ कामाख्या।